आपने हल्दी में दो रंग देखे हैं? नहीं ना, लेकिन अनुपमा में आपको देखने को मिलेंगे हल्दी के दो रंग। जी हाँ, एक जेलसी का रंग तो एक प्यार का रंग। अब हुआ क्या कि अनुपमा की चल रही थी हल्दी, अनुपमा अनुष्को प्यार वाली हल्दी लगाती है, लेकिन वहीं आ जाती है श्रुति और वो अपने गाल से गाल मिलाकर अनुष्को हल्दी लगाती है। भाई ये हल्दी ना बड़ी अनोखी होने वाली है। अनुज और अनुपमा के प्यार की चिंगारी धीरे धीरे आग बन ही रही थी कि इससे पहले ही श्रुति ने आकर उस पर ढेर सारा पानी डाल दिया। अब शुरुआत तो बड़े ही शुभ तरीके से हुई, जहां किस्मत तो देखिए कैसे अनुज और अनुपमा ने एक दूसरे को हल्दी लगाई। लेकिन इससे पहले कि हीरो और हीरोइन का रोमांस बढ़े, विलन ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। और श्रुति को तो देखिए कैसे सभी घर वालों के सामने उसने अनुज के गालों से वो हल्दी अपने गालों पर लगाई, मानो वो जानबूझकर अनुपमा के जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। देर आए पर दुरुस्त है, पता नहीं दुरुस्त है या नहीं है, पर ऐसा मेरे लिए भी शॉकिंग है, सबके लिए शॉकिंग है, तो थोड़ा सा शॉक एलिमेंट है बेसिकली। तो डिम्पी की हल्दी बहुत अच्छी जा रही थी, डांस हो रहा था, सब खुश थे और सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे, ऑलमोस्ट हम होली खेल रहे थे हल्दी से। पर एकदम से हमारी खुशी को नज़र लग गई और श्रुति आ गई, फिर उन्होंने अनुज को हल्दी लगाई जो अनुपमा को अच्छा नहीं लगा। वैसे ही अनुज और अनुपमा एक दूसरे को अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, चोरी चोरी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर अपने प्यार को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां अनुज आज अनुपमा के लिए बड़े प्यार से गजरा भी लाया था और उसने उसकी साड़ी को ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन मेकर्स ये सब कुछ देख नहीं पाए। हाँ, अब वो US में थी, यहाँ पे वो देखती कि चीज़ें कुछ अलग है, तो आई डोंट थिंक वो उसको इतने नेगेटिवली या कुछ लेती है, बट हाँ उसको अच्छा तो नहीं लग रहा है, ये तो फॉर श्योर है। अब वैसे तो घर में शादी वाला माहौल है, सभी लोग बेहद ही खुश हैं, लेकिन मेकर्स को लगा कि ड्रामे की थोड़ी कमी लग रही है, तभी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना श्रुति को बुला लिया जाए और हीरो और हीरोइन को थोड़ा अलग किया जाए। फिलहाल श्रुति के आने से इस शादी में आपको ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।
सोशल योगा डे है तो टीवी सितारे कैसे पीछे रहेंगे। अपने मैडम सर की हसीना मलिक भी हसीन मौसम में पहुंच गई है बीच पर योगा शोगा करने। हाय, मैं हूं गुलकी जोशी और आज हम यहां आए हैं इस खूबसूरत से बीच पर योगा डे मनाने, थोड़ा सा योगा करने और थोड़ी सी मस्ती करने सास बहू और साजिश के साथ। क्या आप तैयार हैं? हाल से जोश, लेट्स गो। मुझे पर्सनली थोड़ा सा पसंद है पहले बैठकर थोड़ा 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करना, थोड़ा सा गैदर योर सेल्फ और उसके बाद जो है स्ट्रेचिंग वगैरह से शुरुआत की जाए बिफोर गेटिंग इनटू एक्चुअल आसन्स। स्ट्रेचिंग ओवरऑल जिंदगी में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो सो जस्ट सुबह एक बार स्ट्रेच करने से योर ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, एनर्जी फील होती है व्हेन यू रियली हैव अ गुड नाइस डीप स्ट्रेच। एंड वर्कआउट करने में मसल टेयर नहीं होता है, इंजरी नहीं होती अगर आपने स्ट्रेचिंग ठीक से की हो तो, अदरवाइज बहुत जल्दी क्रैम्स आने लगते हैं और अकड़ने लगते हैं। सो आई मेक श्योर कि मैं किसी दिन अगर वर्कआउट छूट भी जाए तो भी स्ट्रेचिंग नहीं छोड़ती हूँ। अभी धनुरासन किया मैंने, उससे एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोअर बैक का बहुत अच्छा मसाज होता है, इट्स वेरी गुड। मुझे थोड़ा सा लोअर बैक का इशू है सो वो उससे काफ़ी बेटर होता है। इट वर्क्स रियली वेल ऑन योर बटक्स एंड योर ग्लूट्स एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, खाना बहुत अच्छे से पचता है और इतनी धूप में तो यार कुछ भी करो अच्छा ही होगा। बटरफ्लाई पोज कहते हैं बिकॉज आई एम अ बटरफ्लाई एंड ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज आई हैव अ स्टिफ बॉडी बट दिस इज सी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली बटरफ्लाई जो है आपके आने वाले आसन्स को ज़्यादा आसान कर देता है। बहुत प्रैक्टिस लगती है, जो कोई बोलता है कि ये बहुत आसान है नहीं है, बैलेंसिंग होल्डिंग एवरीथिंग और मेरे जैसे पहलवान इंसान के लिए तो और ही मुश्किल होता है बट इट्स फन, एक बार ये कर लो तो बहुत मजा आता है। इंटरनेशनल योगा डे, सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एन इंटरनेशनल योगा डे एंड बहुत अच्छी बात है कि आज के दिन सब लाइक माइंडेड लोग इकट्ठा होंगे। योगा का मतलब ही है यूनियन एंड दिस डे रिप्रेजेंट्स गेटिंग एवरीबडी टुगेदर। सो अ वेरी हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू गेट इंस्पायर्ड टू स्टे हेल्दी एंड टू स्टे फिट। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जनक है कि हारने कहां वाली है, मैं अनिरुद्ध उसको मना मना थक गया है कि रुक जाओ, लेकिन जनक ने मना कर दिया।
सवाल उठा दिया कि भाई मैं क्यों रुकूं? अब देखना होगा कि जनक मानती है या फिर नहीं। मुझे जो लड़की अपनी पूरी गलती उससे दूसरे घर में रहेगी तो संध्या मतलब बनता है। आप जानती भी है अब देखिए जरा ये जो इनके दिल का हाल है कैसे ये एक दूसरे से बयां कर रही हैं। एक तरफ अनिरुद्ध कह रहा है कि वो झूठा जरूर है मगर सिर्फ झनक के लिए। यही बात झनक भी कह रही है मगर लगता है कि दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें। सच्ची बात नहीं है। और अगर आपको ये सब करना है, ये सब कहना है जनक को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे क्योंकि उसने तो घर में ये कह दिया है कि वो बस यहाँ पर कुछ ही दिनों की मेहमान है और अनिरुद्ध की शादी के बाद वो यहाँ से चलती बनेगी। मगर ये बात अनिरुद्ध को थोड़ी हजम हो रही है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जनक उससे दूर जाए। इसीलिए तो देखिए वो कैसे बहाने बना रहा है। वो कह रहा है कि बस जनक तुम यहीं रुक जाओ। देखो जनक तुम्हें वापस आकर इतना कुछ सुनना पड़ा। मैंने ठीक से तुम्हें सॉरी तक नहीं बोला लेकिन हम कितनी बार कभी बोल रहे जनक चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें देना नहीं छोड़ सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ। अगर आप उसे ऐसे अपने साथ रहने के लिए कहेंगे तो कुछ तो लोग कहेंगे मगर ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं क्योंकि फिलहाल तो आप ही कंफ्यूज हैं कि जनक आपकी दोस्त है या आपका प्यार। आई डोंट नो ही इज कंफ्यूज्ड और कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हम किससे किस तरह का प्यार करते हैं। मे बी अनिरुद्ध एंड अर्शी हैव बीन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड जो उसे जनक की तरफ केयर लगती है मे बी वो केयर अर्शी की तरफ है। वो दोस्ती अर्शी के साथ है, वो कंपैटिबिलिटी अर्शी के साथ है लेकिन प्यार जनक है एंड ही इज़ कन्फ्यूजिंग दी अदर वे अराउंड। यू नो उसे लग रहा है कि केयर और दोस्ती जनक की तरफ है और अर्शी की तरफ प्यार है बट इट कैन बी दी ऑपोजिट थिंग। वैसे अर्शी का कहना गलत नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि जनक के लिए ये जो लगाव है वो सिर्फ लगाव दोस्ती वाला नहीं है और आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि उसकी सोच यकीन में जो बदल जाएगी और तो और उसे इस बात का अंदाजा भी लग जाएगा कि उसका अनिरुद्ध उसका नहीं है। फिलहाल अर्शी तो अपनी सगाई की तैयारियों में जुटी हुई है और उसे पता भी नहीं है कि आखिर उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साल बाद रंग बदला, रूप बदला और एक दूसरे को देखने का नजरिया भी बदल गया। लेकिन जो नहीं बदला वो राजीव है क्योंकि आज भी उसी राह पर, उसी मोड़ पर उसे इंतजार है परी का। लेकिन अब परी की तरह दिखने वाली पार्वती में उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा है राजीव। ये देख नीति की नीयत में फिर से खोट नजर आने लगी है और वैसे भी डरता वही है जिसके मन में चोर होता है। अब नीति और राजीव का आमना सामना हो चुका है पार्वती से जो उसके स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन भला हो बीच में पार्वती की माँ आ गई। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया से तुम सबके साथ बिजनेस करने आई और तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ अपने और अपनी बेटी का रिलेशनशिप स्टेटस तुम लोगों को एक्सप्लेन करूं। I mean, are you guys crazy? परिवर्तन में इन्वेस्ट किया है मैंने। I am
योर लीड इन्वेस्टर और तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट तुम सबको दिखाऊं, लाइक रियली। पार्वती को देख अगर किसी को 440 वोल्ट का झटका लगा है तो वो कोई और नहीं बल्कि नीति है, क्योंकि उसे लगता है कि परी भला कैसे आ गई दोबारा। वैसे पार्वती की अपनी फैमिली है जो ऑस्ट्रेलिया से आई है और राजी नीति के साथ बिजनेस करना चाहती है, लेकिन अब तो पार्वती के आने से नीति के विनाश की गाथा शुरू हो चुकी है। नीति ने खुद उसे धक्का मारा था पहाड़ी से और वो खुद उसके आंखों के सामने नदी में बह गई थी। और उसके बाद ऐसा भी है, हम रिवील करते हैं कि हमने एक बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया था एज परी, उसके गहने उसके कपड़े सब आइडेंटिफाई किया था। तो ये तो एज अ शॉक ही है मतलब नीति के लिए कि परी वापस कैसे आ गई। नीति को चाहिए कि वो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दे, क्योंकि पार्वती के आने से उसकी सांसें अटक सकती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आज इंटरनेशनल योगा डे है तो अपनी अनीता भाभी ने बिना योगा करने का टाइम निकाल ही लिया। वैसे तो वो डेली योगा करती हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाती हैं। नमस्ते, मैं हूं विदिशा श्रीवास्तव और आज है इंटरनेशनल योगा डे। और आप सभी को पता है कि योगा हमारे ज़िंदगी का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, कितना अहम हिस्सा है और हम सभी को योगा करना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन सा योगा करती हूँ, मेरे कौन से फेवरेट पोजेस हैं जिससे मैं अपने आप को स्वस्थ रखती हूँ। आइए मेरे साथ योगा कीजिए। आपने देखा मैंने अभी कुछ आसन किए, जिसको कैट पोज किया, काउ पोज किया, कोबरा पोज किया, सूर्य नमस्कार किया। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप कुछ भी नहीं कर पाओ, यू नो आपके अगर बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शुरू में, प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये योगा का ही एक हिस्सा होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है अपने बिजी समय में से। ऑफ कोर्स न्यू मॉम हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए क्योंकि ऑफ कोर्स नए यू नो नई नई मॉम में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है, प्लस मैं एक वर्किंग वूमन हूँ और शूट की शूटिंग अपना महीने में इतने दिन करती हूँ। किसी तरह वो कहते हैं ना, जब भगवान माँ बनाता है ना तो उसके साथ साथ आपको इतनी सारी शक्तियाँ दे देता है ना कि आप सारी चीज़ें कर सकते हो मैनेज। सच बताओ तो मेडिटेशन मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहा है। आपके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एट टाइम्स ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे आपके, तो आप जो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका माइंड आपकी बॉडी सब एक साथ एक दूसरे के कनेक्ट में रहते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम करता है ताकि जिससे आपके एंग्जाइटी के हॉर्मोन्स वो सब नहीं होते हैं। आज आपने मेरे साथ योगा देखा और आई होप आपने भी किया होगा। योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो करूँ ही करूँ, ऐसे करना पूरे हफ्ते चाहिए, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है अपने बिजी लाइफ में से थोड़ा समय निकालें और योगा ज़रूर करें। और आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलो चलो पलकी, अपनी सासू माँ प्रीता से थोड़ी ट्रेनिंग ले लो कि आखिरकार जासूसी कैसे की जाती है। अरे इस काम में तो वो पहले से ही माहिर है। अब आपकी बारी है, क्योंकि अब ये परिवार आपका भी है और ऐसे में आपको भी इन चीजों में माहिर होना पड़ेगा, तभी तो आप अपने परिवार को मुसीबतों से बचा पाएंगी। अब वैसे तो हमने टीवी सीरियल में हमेशा बहू और सास को लड़ते हुए ही देखा है, लेकिन जरा सोचिए अगर ये सास बहू की जोड़ी मिल जाए तो क्या धमाल कर सकती है। अब पलकी और प्रीता को भनक हो गई है कि वरुण एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। तभी तो अपनी सासू माँ के बताए कदमों पर चलते हुए आज पलकी पहुंची है उस पार्टी में जहां वरुण और उसकी एक्स वाइफ है, और आज वो उनका सच पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये एक मास्क पार्टी है, ऐसे में वो मुंह पर मास्क लगाकर कोशिश कर रही है कि वरुण उसे ना पहचान सके। वरुण का सच बेसिकली सबके सामने दिखाने के लिए आई हूँ, लेकिन कुछ और ही हो जाएगा, क्या होगा वो बताऊंगी नहीं अभी। तो बेसिकली ऐसा है कि वरुण की जो एक्स वाइफ है उसके बारे में तो पता ही था, बट उसने कहा था कि डिवोर्स हो चुका है, लेकिन यहाँ आके आई होप पता चल जाएगा क्योंकि वो डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन बेचारी पलकी अभी अपनी सासू माँ की तरह परफेक्ट नहीं हुई है, ऐसे में आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वरुण पलकी को अपने ही जाल में फंसाता हुआ नजर आएगा। वरुण जो है वो ड्रग में पलकी को फंसाएगा, जो वरुण का ड्रग पेडलर है, और वरुण को कैसे कैसे पता चलेगा कि पीछे से पलकी और प्रीता भी आए हुए हैं, तो वो अपने ही ड्रग डीलर से पलकी को फंसवा देगा। अब देखना ये होगा कि प्रीता कैसे अपनी बहू रानी को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये व्यायाम किस लिए? सांसें चढ़ गई है, टीवी का रिजल्ट जो आ गया, मैं टीवी का आ गया है रिपोर्ट कार्ड, और अब देखना होगा कि कौन सा शो कौन से नंबर पे है, तो चलिए डालें एक नजर। आ गई है टीवी की दुनिया की टीआरपी, और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर टॉप 5 शोज कौन कौन से हैं। तो नंबर 5 पर है सीरियल उड़ने की आशा 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है झनक 1.9 रेटिंग के साथ। लगता है झनक और अनिरुद्ध की कहानी से दर्शक अपनी रुचि कम कर रहे हैं, क्योंकि ये शो पहले नंबर 2 के पायदान पर था। नंबर 3 पर है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.1 रेटिंग के साथ। अब शो में लीप आ चुका है, यानी कि अगले हफ्ते इस शो पर नजर बनी रहेगी कि आखिर इसकी टीआरपी में क्या फर्क पड़ता है। नंबर 2 पर है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग के साथ। अब इससे पता चलता है कि अरमान और अबीरा की कहानी दर्शकों को राज आ रही है। और नंबर 1 पर हमेशा की तरह बरकरार है सीरियल अनुपमा 2.4 रेटिंग के साथ। तो ये था टीवी के दुनिया का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए। आज कुछ ऐसा ख्याल अभीरा के मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि भले ही अरमान ने उसे कितने भी दर्द दिए हों, लेकिन आज अरमान के इस दर्द को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरमान के इन जख्मों पर आज वो मरहम लगाती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि हम सीन कर रहे हैं जहाँ पे शहर में रायत्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास लेकर जाना अरमान को बहुत मुश्किल था, तो इसलिए डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि आप घर में ही कोई इलाज करिए, तो वहाँ से वो डॉक्टर बन गई। वैसे तो हाल ही में अभीरा लॉयर बनी है, लेकिन जब बात अपने प्यार अरमान की आई तो वो आज डॉक्टर भी बन गई। हालांकि अभीरा ने डॉक्टर को बुलाने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन कोई भी डॉक्टर आज अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते आज अभीरा ने एडवोकेट की कलम छोड़कर डॉक्टर की सुई भी उठा ली, ताकि वो अरमान के इन जख्मों को सी सके। टैलेंट है ना ये तो अभीरा का, देखो ये तो अभीरा का टैलेंट है कि उसने मरहम पट्टी की के साथ साथ सिलाई भी कर दिया, उसके बाद ड्रेसिंग भी कर दी, यही तो प्यार की ताकत होती है। दरअसल आज उदयपुर में दंगे हो गए थे और इन दंगों में अरमान और अभीरा फंस गए थे। वैसे तो अरमान ने जमकर गुंडों की पिटाई की, लेकिन गुंडे आखिरकार अरमान पर हावी हो गए और अरमान के सीने पर चाकू मार दिया, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गया। एक्चुअली उदयपुर में राइड्स चल रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे BTS में, तो राइड्स चल रहे हैं और मैं अरमान को ढूंढने जाती हूँ ताकि उसे चोट ना लग जाए, और हम दोनों फंस जाते हैं। हम दोनों घर ही जा रहे होते हैं, लेकिन हम दोनों फंस जाते हैं। फिलहाल तो किसी तरह अभीरा अरमान गुंडों से बचकर घर में छुप गए हैं, लेकिन गुंडे फिर भी अरमान और अभीरा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अभीरा अपने अरमान को उनसे बचा पाती है या नहीं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आप मानो या ना मानो, वैजंती को ना बुरी नजर लग गई है। नहीं मानोगे? अरे हाँ, अब आप खुद ही देखो, कल तक बेचारे की शादी होने वाली थी, सुपारी फोड़ी, हल्दी भी होने वाली थी, लेकिन अब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब उसके घर में सिलेंडर फट गया, बड़ी मुश्किल से उसने लोगों की जान बचाई। अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है। हाय, ये बैजू की किस्मत भी ना, अभी अभी तो उसकी शादी टूटी थी कि आ गई है उसके सिर पर एक और बड़ी मुसीबत। ये ऐसी मुसीबत है जिसमें वो खुद कुछ समझती, उससे पहले सब कुछ तबाह हो गया। अब घर में आग लगी है और सभी घबराए हुए हैं कि तभी किचन में कुछ आवाज आती है और हो जाता है एक बड़ा धमाका। दरअसल आग की वजह से सिलेंडर फट जाता है, और इसके बाद जब बैजू को होश आता है तो एक पल के लिए वो कुछ भी समझ नहीं पाती। उसके चारों ओर उसके परिवार वाले बेहोश पड़े हुए हैं, और ऐसे में बैजू बस इतना समझ पाती है कि उसे उठकर सभी की मदद करनी है। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने उसकी बहन जया दिखाई देती है। इतने बड़े धोखे के बाद भी बैजू अपनी बहन जया की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाती है, और बिना अपनी जान की परवाह किए वो उसे सुरक्षित जगह पर ले जाती है। एक एक करके बैजू सभी घर वालों को बाहर निकालती है, मगर उसे अपनी आई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो काफी घबराई हुई है। आए!
जी माँ को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुए, उनके ऊपर ये छत नहीं कुछ गिर गया जिसके ऊपर जिससे उन्हें ज़्यादा चोट पहुँची और सबको बचाते बचाते उन तक मैं लेट पहुँची और जब उन्हें बचाने का समय आया तब तक ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, तो उसका गिल्ड भी है वैजू को। अब देखने वाली बात तो ये है कि पूरा सीक्वेंस एक तरफ और वैजू एक तरफ, क्योंकि इस मुश्किल सीन के बाद सभी ने वैजू की हिम्मत के लिए उसे काफी शाबाशी दी। अब फिलहाल वैजू ने सभी को बचा लिया है, लेकिन अभी भी उसे ये नहीं पता कि आखिर ये किसकी हरकत है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वैजू कैसे इस घटना के राज का पर्दाफाश करेगी और क्या इसमें रणविजय उसकी मदद करेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है चैनल सन नियो का शो छठी मैया की बिटिया। वैष्णवी जब शंख बजाएगी तब कार्तिक उसकी तरफ खींचा चला आएगा, मानो छठी मैया दोनों को मिलाना चाहती हो। कार्तिक के घर का ये पुश्तैनी शंख है जो इसे हर कोई नहीं छू सकता। ये तो हमारा पुश्तैनी शंख है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारा ये पुश्तैनी शंख बजाया? इसे तो हमारी अम्मा के अलावा और कोई नहीं बजा सकता। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है चैनल सन नियो का शो सांझा सिंदूर, जहां फोली एक बार फिर गगन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी चोरी एक बार फिर से पकड़ी जाएगी। झूठी धोखेबाज और आप पत्थर सिंह, मैं तुम्हारी ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी, कभी चोरी कभी झूठ, मैं शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। मैंने भी आप जैसा पत्थर सिंह ना देखा जिसे चोरियों से बात करने का ढंग तक ना हो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक को जबरदस्ती स्टैम्प पेपर पर साइन करने के लिए कहा जाएगा ताकि झनक और अनिरुद्ध की शादी अमान्य हो सके, लेकिन झनक के हाथ वहीं थम जाएंगे और वो इंतजार करेगी अनिरुद्ध के रिएक्शन का कि आखिर उसका क्या कहना है। साइन करो। अब भाई अनिरुद्ध और झनक को अगर किसी कड़ी ने जोड़ रखा है तो वो उनकी शादी है, और अगर दोनों ने साइन कर दिया तब तो झनक अनिरुद्ध से आजाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो होना मुश्किल है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। सुभान को अब एहसास हो गया है कि उसे अपना स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, इसी कारण अब वो अपनी माँ कायनात से भी इबादत के लिए लड़ जाएगा। क्यों किया इबादत ने ऐसा? पुलिस को क्यों बुलाया? मुझे नहीं लगता कि इबादत ने पुलिस को बुलाया। और वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि इबादत ने ही पुलिस को बुलाया था, और तो और सुभान इस बात का ऐलान भी कर देगा कि अब वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इबादत से करेगा। गलती सारी आपकी है, आपने तो अमल को ब्लैकमेल किया इस निकाह के लिए, आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया और अब मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था। कौन सा काम? अब मैं जाकर भी शादी से इनकार नहीं कर सकता। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। विराट और अमृता का रिश्ता अब धीरे धीरे प्यार की पटरी पर आना शुरू हुआ है, क्योंकि नशे की हालत में भी विराट को अपने पास बस अमृता चाहिए, क्योंकि उसके दिल की बात अब कहीं ना कहीं उसकी जबान पर आने लगा है। ओके ओके बैंकर, आज ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अमृता को भी यकीन नहीं होगा कि विराट अब उसकी तरफ तवज्जो कैसे दे रहा है।